नमस्कार एंड वेलकम एट हिंद गुरुकुल एड्यू 7. दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑन एडजेक्टिव. इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और वर्ब कंप्लीट हो चुका है, तो उसे जाकर जरूर देखें. वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. टुडे वी विल सी अबाउट एडजेक्टिव्स. तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. इसके पहले आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब कंप्लीट हो चुका है ग्रामर की सीरीज में, और अब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स सी फर्स्ट इट्स डेफिनेशन. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब इन डिफरेंट वे टू नाउन और प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जिसका काम क्या होता है, क्वालिफाई करना या डिस्क्राइब करना किसके लिए, नाउन या प्रोनाउन के बारे में. तो एक तरह से क्वालिफाई करने का मतलब होता है कि नाउन या प्रोनाउन को के बारे में कुछ बताना, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, उससे रिलेटेड कुछ भी बताना. तो कोई भी वर्ड है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा. जब हम एडजेक्टिव के अलग अलग काइंड्स पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे वर्ड्स होते हैं और किस तरह के वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ हमें बताते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल हियर. इट इज अ चार्मिंग सीनरी. अब देखिए यहाँ पे क्या, इट इज अ चार्मिंग सीनरी में सीनरी जो है नाउन है, क्योंकि नाउन का वीडियो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. नाउन के वीडियो को आप लोग देख चुके हैं, तो उस वीडियो में आप लोग को बताया गया है कि नाउन होता क्या है. तो हेयर सीनरी इज नाउन और इसके लिए वर्ड यूज हुआ है चार्मिंग. तो जब चार्मिंग वर्ड यूज हुआ है और कहीं ना कहीं ये वर्ड सीनरी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये जो चार्मिंग वर्ड है इस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है और इस वजह से ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. और जब नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज होता है तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं. इट इज अ चार्मिंग सीनरी, यह एक प्यारा सीनरी है, दृश्य है. तो अब देखिए प्यारा दृश्य, अब प्यारा वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है, दृश्य के लिए. तो इसी तरह से नाउन के लिए जो भी वर्ड यूज हो रहा है वह एडजेक्टिव कहलाता है, और नाउन के पहले यूज हुआ तो एट्रीब्यूटिव उसका यूज हो जाएगा. एंड सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, दिस सीनरी इज चार्मिंग. नाउन यहाँ पे है, एडजेक्टिव यहाँ पे है. तो जब नाउन के पहले नहीं यूज हो रहा है एडजेक्टिव का, सेंटेंस में कहीं और यूज हो रहा है, तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे. जनरली ये जो प्रेडिकेट होता है सेंटेंस का उसका हिस्सा होता है. अब देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. तो बिफोर दिस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. तो देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. जनरली यहाँ पे 10 काइंड्स दिया गया है एडजेक्टिव के. तो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, एक्सेट्रा. देखिए क्वालिटी का मतलब होता है गुड. तो वो सारे एडजेक्टिव जो क्वालिटी बता रहे हैं, वो चाहे पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में, किसी भी सेंस में नाउन की क्वालिटी बता रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे. और इसके अंतर्गत ये सारे कुछ एग्जांपल दिया गया है, गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जाम्पल हैं. इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पहले काइंड्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लिया जाए. तो डिटेल में इसके बारे में देखते वन बाय वन देखते चलेंगे. थोड़ा सा काइंड जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है माइंड में, फिर इसका डिटेल क्लियर करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दिस इज द नेक्स्ट. इसमें क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा. तो ऐसे वर्ड जो नाउन की मात्रा के बारे में बताए कि वो नाउन कितना है, उसकी अमाउंट कितनी है, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे. एग्जाम्पल, सम, एनी, नो, मच, एनफ, होल, एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर.
अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, ये नाउन की संख्या बताता है कि नाउन की जो संख्या है वो कितना है, एक है, दो है, तीन, चार, पांच, क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, लास्ट है, व्हाटएवर, जो भी हो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एक्सेट्रा, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, मैनी, फ्यू, वेरियस, ऑल, सम, तो ये सारे और भी इससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे सारे नहीं लिखे गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो सब लिखना पॉसिबल नहीं है। एक तरह से ये एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए दे दिया गया है कि 1, 2, 3 के आगे फिर आगे नंबरिंग आप करते चले जाइए, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते चले जाइए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा, नाउन की संख्या। नेक्स्ट एंड फोर्थ वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, रशियन। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन से फॉर्म किया जाता है, तो वो एडजेक्टिव जिसे प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। और इसमें जनरली कोई ना कोई कंट्री के जो लोग होते हैं उसके लिए यूज होता है, जैसे इंडियन, मतलब कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई जापानीज है, रशियन है, अफ्रीकन है, एशियन है, यूरोपियन है, एक्सेट्रा, ये सारे जो है कंट्री और कंटिनेंट को डिनोट करते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। अनदर इज पजेसिव एडजेक्टिव, इसमें क्या है, माय, योर, ओन, हिज, हर, ये सारे एग्जांपल है पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। इससे क्या शो होता है, पजेशन, पजेशन मतलब अधिकार, तो वो एडजेक्टिव जिससे एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार शो हो उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और पजेसिव एडजेक्टिव के लिए जो वर्ड्स हैं ये सब हैं, इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आते हैं, इच, एवरी, आइदर, नीदर, ये है चार डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, ये चारों यूज होते हैं, बस यही चार यूज होता है इसमें। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बांट देना, एक तरह से डिवाइड कर देना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है। नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, सच, सम, सर्टेन, एनी, अदर, दिस, दोस, एनी, असर्टेन, अदर, अनदर, द सेम, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना, मतलब किसी चीज़ को शो ऑफ करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको प्रदर्शित करना, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और किस तरह से डिमोन्स्ट्रेट किया जाता है, इन सारे वर्ड्स का यूज करके हम डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब नाउन को प्रेजेंट करते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या क्या आएगा, व्हाट, विच, हुज आएगा, ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब ही है क्वेश्चन वर्ड, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनका क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है, या मतलब किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज इम्फैटिक एडजेक्टिव, ओन, वेरी, ये जो दो वर्ड है ये इम्फैटिक एडजेक्टिव कहलाते हैं। इम्फैटिक का मतलब होता है कि प्रेशर, फोर्सफुली किसी चीज़ को कहना, तो ये जो वर्ड हैं जब इनका यूज करके किसी नाउन पे इम्फेसाइज करना होता है, दबाव डालना होता है, तो यूज किया जाता है इन दोनों वर्ड को, और इस वजह से ये दोनों वर्ड क्या कहलाते हैं, इम्फैटिक एडजेक्टिव। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है व्हाट, और इसका यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे अंदर से सडन फीलिंग्स क्रिएट हो, चाहे वो खुशी के हो, चाहे दुख के हो, चाहे वो किसी भी तरह का एक तरह से सरप्राइज हो या शॉक हो, तो इस तरह की सडन फीलिंग्स के लिए हम एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। तो दिस इज द रीज़न कि व्हाट क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, इसको आप इंट्रोगेटिव मत समझिएगा। यहाँ पे किस रूप में व्हाट का यूज होगा, इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं, एक्सक्लेमेटरी के रूप में।
तो ये सारे थे काइंड्स नाउन, सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव के सारे काइंड्स थे जिसको हमने शॉर्ट में पढ़ा। अब डिटेल में वन बाय वन इसका यूज देखेंगे कि कैसे किस तरह से सारे एडजेक्टिव को यूज किया जाता है सेंटेंस में। तो पहला हम क्या देखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेट्स सी द एडजेक्टिव्स विच डिनोट्स कलर, फॉर्म, शेप, काइंड्स, मेरिट, डिमेरिट एक्सेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या क्या आएगा, वो सारे वर्ड्स आएंगे जिससे हमें किसी नाउन के कलर के बारे में पता चले, किसी नाउन के फॉर्म के बारे में पता चले, कलर मतलब रंग, फॉर्म मतलब उसका रूप, किसी नाउन के शेप आकार के बारे में पता चले, काइंड के बारे में पता चले, प्रकार के बारे में पता चले, मेरिट अच्छाई, डिमेरिट उसकी कमी, तो जो गुण है दोष है उसके बारे में पता चले। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आएगा, कलर, फॉर्म, शेप, काइंड्स, मेरिट, डिमेरिट, गुण दोष, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, मिस्टर धनोवा इज अ टॉल मैन। अब यहाँ पे देखिए कैसे एडजेक्टिव का यूज हुआ है इस एग्जांपल में। मिस्टर धनोवा के लिए क्या यूज किया गया, मैन यूज किया गया। मैन क्या है, नाउन है सेंटेंस में। इसके पहले वर्ड टॉल है, टॉल क्या बता रहा है, मैन के बारे में बता रहा है ना, मैन जो है वो कैसा है, टॉल मैन है, टॉल मतलब लंबा, ठीक है, लंबा बड़ा पर्सन, ठीक है। तो मिस्टर धनोआ इज अ टॉल मैन, तो मिस्टर धनोआ जो है एक लंबे व्यक्ति हैं। तो कैसे व्यक्ति हैं, लंबे व्यक्ति हैं। व्यक्ति क्या हुआ, दैट इज मैन हेयर, और वो नाउन है, और नाउन के बारे में ये वर्ड जो लंबा यानी कि टॉल बता रहा है कि ये नाउन कैसा है, लंबा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताए, कुछ भी नाउन के बारे में बता रहा है, कोई भी वर्ड नाउन के बारे में कुछ भी बताए तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हियर द वर्ड टॉल इज एडजेक्टिव, और विच एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल, यू आर अ फुलिश चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड इज नाउन, और चाइल्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, फुलिश। तो चाइल्ड कैसा है, फुलिश है, मूर्ख है। तो इस वर्ड से हमें पता चलता है कि चाइल्ड कैसा है, मतलब ये नाउन कैसा है, इस एडजेक्टिव से हमें पता चलता है। अगर ये एडजेक्टिव नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि जो चाइल्ड है वो फुलिश है कि नहीं है। तो इसीलिए नाउन के लिए फुलिश वर्ड यूज हुआ है, और दिस इज द रीजन कि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे इसे। आई हैव एन ओल्ड पेन, पेन इज नाउन हेयर, ओल्ड, पेन कैसा है, ओल्ड है, तो पेन के बारे में बता रहा है ना ये वर्ड कुछ, तो इसीलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो समझ में आ गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा, जहाँ पे नाउन की क्वालिटी बताई जाए, चाहे वो क्वालिटी पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में हो, नाउन के बारे में किसी भी तरह की क्वालिटी बताई जाए, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या देखेंगे, इट डिनोट्स अमाउंट, क्वांटिटी, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ एक्सेट्रा। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है वो हमें नाउन की मात्रा बताता है कि नाउन की अमाउंट कितना है, वो कितना मात्रा में है, और इसके लिए ये सारे वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं। वर्ड्स नहीं बोलेंगे, इसे फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। तो ये सारे फ्रेज का यूज़ करते हैं अमाउंट या क्वांटिटी बताने के लिए किसी नाउन की। अब इनके यूज़ से रिलेटेड रूल है, इसको देखते हैं। मीना हैज मच मनी, ठीक है, मनी क्या है, नाउन है यहाँ पे, मच क्या है, एडजेक्टिव है। अब मच वर्ड जो है इससे क्या पता चलता है हमें कि मनी जो है वो बहुत है, ठीक है, मच का सेंस जो निकल के आता है मीनिंग, उसका मतलब होता है बहुत। तो मीना के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, कितने पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। तो पैसे के बारे में हमें कौन सा वर्ड बता रहा है, मच, यही बता रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और चूंकि ये मनी की अमाउंट और क्वांटिटी की बात कर रहा है, मतलब मनी कितना है, ज्यादा है, एक तरह से मनी की अमाउंट बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ लॉट ऑफ कॉफी। अब देखिए, कॉफी इज नाउन हेयर और इसके लिए अ लॉट ऑफ फ्रेज का यूज किया गया है, तो ये जो फ्रेज है यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बता रहा है कि कॉफी कितना है। आई हैव अ लॉट ऑफ कॉफी, मेरे पास बहुत ज्यादा कॉफी है, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ से भी पता चलता है कि बहुत ज्यादा कॉफी है। तो इसी तरह से ये सारे जितने फ्रेज हैं इनका हम यूज करते हैं एज ए एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। अब देखिए, जो लिटिल है इससे क्या पता चलता है, ये जो अ लिटिल वर्ड है इससे पता चलता है कि मिल्क जो है ग्लास में कितना है, थोड़ा सा है, ठीक है। तो मिल्क के बारे में ये अ लिटिल जो वर्ड है कुछ बता रहा है कि मिल्क कितना है, थोड़ा सा है, इसकी अमाउंट बताई जा रही है, मात्रा बताई जा रही है कि थोड़ी सी मिल्क है, ठीक। तो इस तरह से लिटिल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे अभी आपको बहुत ज्यादा तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो नाउन के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं अलग अलग तरीके से, और वो अलग अलग कैटेगरी में।